नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, इससे हर कोई सतर्क है। डॉक्टर्स भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाने की हिदायत दे रहे हैं और साथ ही मास्क और हैंड सैनिटाइजर यूज करने की सलाह दे रहे हैं। मगर आलम यह है कि ज्यादा मांग की वजह से मार्केट से हैंड सैनिटाइजर खत्म होते जा रहा है। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आप घर पर आसानी से हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आसानी से कैसे कम समय में और कम कीमत में हैंड सैनिटाइजर बनाएं। हमें नहायती बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज की चाहिए होती है। जैसे कि सबसे पहले, अगर आपके घर में एलोवेरा जेल नहीं है, किसी के घर में प्लांट है एलोवेरा का, तो हम इस प्लांट को पत्ती लेंगे, उसको हल्का हल्का छील लेंगे। इसको छीलने से इसके अंदर एक पल्प निकलता है। इस पल्प को भी हम एलोवेरा जेल की जगह पे यूज कर सकते हैं। इस पल्प को हम मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाने के बाद यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक खाली बॉटल लेंगे, जो कि हमारे हैंड वॉश की होती है, घर में हमें मिल जाती है आराम से। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जेल ऑलरेडी डाला हुआ है। हमें जेल चाहिए होता है जितना कि हमें सेम क्वांटिटी में ही हमारा रबिंग एल्कोहल चाहिए होगा। तो मैंने 100 ग्राम जेल और 100 ग्राम एल्कोहल लिया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा जेल मैंने ऑलरेडी बॉटल में डाला हुआ है। मैंने इस जेल को कटोरी में निकाल कर, ये वाला जेल जो मैंने लिया है, इसी जेल को मैंने कटोरी में निकाला है। 100 ग्राम आसपास मैंने इसको लिया है और इतना ही मैं ये स्पिरिट इसमें ऐड करूंगी। जो एलोवेरा जेल है, हैंड्स को वॉश करने के बाद हमारे हाथों को सॉफ्ट रखने में काम आता है। और जो स्पिरिट है, यानी कि एल्कोहल जिसको हम कहते हैं रबिंग एल्कोहल, ये जो है, ये पानी और साबुन की जरूरत हमें नहीं पड़ने देता। ये हमें हाथों पे लगाते सार ही ये उड़ जाता है। तो इससे हमें हाथ वॉश करने के लिए साबुन या पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इन दोनों का मिक्सचर जो है वो बॉटल में डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इस बॉटल के अंदर अभी थोड़ी देर में ऑयल का यूज करूंगी। अगर हमारे घर में बादाम का तेल है तो हम बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। अगर बादाम का तेल आपके घर में नहीं है, आपके घर में पैराशूट ऑयल है, नारियल का तेल, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। हमें ज्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं चाहिए होगी, हमें सिर्फ एक चम्मच ही यूज करना है, वो भी एसेंस के लिए। ये देख रहे हैं आप, मैंने बॉटल में ये सारा फिल कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऑयल ऐड करने जा रही हूँ। ज्यादा नहीं, बस एक स्पून ऑयल हमें चाहिए। जितनी क्वांटिटी हमारे पास रबिंग एल्कोहल की है, उतनी ही क्वांटिटी हम जेल की यूज करेंगे और इसे अच्छे से एक शेक करके यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो प्लांट का पेस्ट आप बहुत अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में बनाएंगे और उसके अंदर एल्कोहल यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए हमें इस तरीके से ये हमारे हाथ में आएगा और बहुत ही अच्छे से, सिर्फ हथेलियों पे नहीं है यूज करना हमें, हमारे नेल्स, हमारे पीछे के बैक साइड के जो हैंड्स हैं उस पे भी हमें अच्छे से रब करना है, ताकि सारे कीटाणु जो हैं वो हमारे नष्ट हो सके। इस तरीके से ये जो फिंगर्स के पॉइंट्स हैं, इसमें कोई कीटाणु ना बचे, हमारे नेल्स, इनको अच्छे से रब करिए। अपने घर में आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपका हैंड सैनिटाइजर उपयोग करने के लिए एकदम तैयार है। आपको बता दें कि यह हर्बल हैंड सैनिटाइजर आपके हाथों के जम्स का खात्मा करेंगे, साथ ही आपके हाथों को सॉफ्ट और खुशबूदार भी रखेंगे। अब आपको पता चल गया है कि घर पे आसानी से कैसे हैंड सैनिटाइजर बनाएं, तो आप इस वीडियो को अपने पड़ोस के साथ साथ अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो घर पर आसानी से हैंड सैनिटाइजर बना सके। साथ ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।